हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ मस्त खुश होंगे। सबसे पहले मैं आज उठ करके फ्रेश होके मंजन दातुवन करके मैं जल स्नान करी हूँ और सबसे पहले मैंने थायराइड की दवा खा ली है। थोड़ा सा मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी भी पी लिया। उसके बाद आज मैं करूँगी एक्सरसाइज। आज मैं नया अनुभव एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके उसके बाद अपने सारे काम करते हैं, जैसे एक्सरसाइज का काम हुआ, प्राणायाम हुआ। तो मैंने कहा चलो भाई आज मैं नया अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे अभी घर के तो कोई काम नहीं हुए हैं, सिर्फ वहीं पे पूजा के पास जरा सा मैंने साफ़ करके दिया बत्ती कर दी है और उसके बाद मैं फटाफट से अभी सुबह का टाइम है, मैं अपने एक्सरसाइज और वॉक का काम निपटाऊंगी। आज मैं इसलिए सुबह सुबह नहा ली क्योंकि मुझे आज करनी है साफ़ सफाई। मतलब साफ़ सफाई मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे दीपावली नज़दीक है, दीपावली की साफ़ सफाई। तो मुझे पता था ना कि अगर मैं कुकिंग करने लग जाऊंगी फिर उसके बाद सफाई में लग जाऊंगी तो फिर नहाने और स्नान करने का काम रह जाएगा। वैसे मेरा स्नान करने का नहाने का काम बहुत ज़्यादा टाइम का होता है। अगर मुझे कम समय में कोई स्नान भाता है ना तो वो होता है कंकड़ स्नान, यानी सिर्फ जल स्नान होता है। जल स्नान से नहाया, कपड़े वैसे वाशिंग मशीन में डाल दिए क्योंकि साफ़ सफाई के बाद बहुत सारे कपड़े इकट्ठे होंगे तो फिर वाशिंग मशीन लगा के धुला जाएगा। मैंने कहा कि सबसे पहले एक्सरसाइज का काम निपटा लेते हैं क्योंकि इसमें नागा मारना अब मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि कुछ दिन में आने वाले टाइम में मैं नागा करूँगी। ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फिर एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता। बहुत ज़्यादा ठंड जब पड़ने लगे तो एक्सरसाइज करना भी नहीं चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा ब्लड होता है एकदम से गर्म और हमें ठंडी जगह में ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो इसकी वजह से ठंड में आलस भी लगता है, खाना पीना भी ज़्यादा हो जाता है, पूरी पराठे हो जाते हैं। ठंड के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा खाने का मन भी हो जाता है, मतलब जैसे दो रोटी की भूख हो तो चार रोटी खा लेते हैं, खाना इतना अच्छा होता है। तो वज़न हमारा बढ़ने ना पाए इसलिए हम पहले से ही तैयारी करेंगे। वैसे फ़िलहाल हमारा वज़न बढ़ता नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हैं, जबकि हम चाय भी पीते हैं, सब कुछ खाते हैं। अब मेरा ऐसा नहीं कि 32 बार मैं चबा के खाऊं, या फिर दूसरा चीज़ ये कि मैं मतलब ऐसी चीज़ की छोड़ दूं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है। खाती सब कुछ हूँ, बस क्वांटिटी को कम करके खाती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा वज़न जो है, बहुत सारे लोग कर रहे थे 69 पे आके रुका। देखो भाई, वज़न धीरे धीरे कम होता है, आप लोगों को तो बस कमेंट करके चले जाना है, जिसको करना होता है उससे पूछो कि कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, कितना ज़्यादा कंट्रोल करता है। बस कहने वाले को बस उंगली चलानी होती है, उंगली चला के कमेंट करना है या फिर मुँह से टपर टपर ऐसे कह देना है। किसी को बोलने से पहले कुछ सोचा समझा जाता है या फिर किसी को लिखने से पहले आप एक बार सोच तो लो जो कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। वज़न मुझे एक दिन में नहीं कम करना है कि भैया एक दिन में कम कर लो, और एक दिन में कम होता भी नहीं। सबसे ज़्यादा क्या होती है, अगर एक दिन में कम करना होता है तो सॉल्ट फ्री करना पड़ता है, शुगर चीनी सब कुछ खाना बंद कर देना पड़ता है। इससे क्या होती है, हमें वीकनेस आ जाती है। वीकनेस, अभी मैं एक दिन नमक नहीं खाती हूँ ना तो ऐसे मेरा बीपी लो हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं हमें कुछ चीज़ें छोड़ देने में, बिल्कुल छोड़ देने, अपने जीवन से हटा देने से। मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप अपने जीवन से कुछ भी ना हटाओ, कुछ भी ना हटाओ, चीनी नमक कुछ भी ना हटाओ, लेकिन हाँ सब चीज़ की क्वांटिटी आप कम कर दो। जैसे आप चार खाते हो, चार की जगह आप दो खाओ, डेढ़ खाओ, धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी और आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा खाने की वजह से मेरा वज़न बढ़ा था, हंगर मुझे इतना ज़्यादा हाई लेवल पर था, इसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ा। बहुत ज़्यादा खाती थी और जो भी मैं खाती थी वो घर पर बना के नहीं खाती, क्योंकि छोटे छोटे दो बच्चे थे, बच्चों को संभालने में सारा वक्त बीत जाता था। मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती थी, मंगा के क्योंकि खुद बनाने का टाइम नहीं मिलता था और भूख जब भी लगती थी तो मैं बाहर से ही मंगा के कुछ ना कुछ खा लेती थी, बर्गर चाउमीन। पहले इतनी सस्ती का ज़माना था, आज से 13-14 साल पहले 10-15 रुपए के बर्गर अवेलेबल होते थे, 10-15 रुपए के प्लेट भर चाउमीन अवेलेबल होती थी। अब का ज़माना जो है 30-40-50-100-150 में बर्गर चाउमीन मिल रहा है। तो महंगाई की वजह से भी कुछ लोग नहीं खा पाते हैं, इसका भी रीज़न होता है। कुछ लोग हेल्दी वे की वजह से ये नहीं खाते हैं, तो बहुत सारे रीज़न हैं। अब इतना ज़्यादा महंगाई है, कोई अगर बाहर का ही खाएगा तो फिर घर कैसे चलाएगा, ये भी रीज़न होता है। और अब तो मैं सचमुच अगर मुझे कुछ खाने का मन भी होता है तो सारी चीज़ें मैं घर पर बना लेती हूँ, मार्केट से अच्छा और सबसे ज़्यादा साफ सुथरा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। आज मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की, रस्सी कूदना, बहुत सारी एक्सरसाइज में, सारी एक्सरसाइज को मैं, कोई एक्सरसाइज 30 बार करती हूँ, कोई एक्सरसाइज 25 बार करती हूँ, कोई एक्सरसाइज मैं 20 बार करती हूँ, जितनी मेरी करने की क्षमता होती है, जितनी कैपेसिटी होती है, जितना मैं कर पाती हूँ उतनी एक्सरसाइज करती हूँ। कोई शरीर को ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा शरीर को तकलीफ दे के एक्सरसाइज करनी है या फिर वज़न कम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। तकलीफ़ दे के धीरे धीरे आपका वज़न कम होगा, आप थोड़ा सा साहस रखें, धैर्य रखें और थोड़ा सा परिश्रम करते रहें और कम खाना खाते रहें। आप ऐसी चीज़ें खाएं जिसको खाने से आपको ताकत मिलती है, जैसे फ्रूट्स बहुत सारा लें,
फ्रूट में आप सेब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं, खीरा भी खा सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें लें, जैसे ड्राई फ्रूट में आप क्या कहते हैं, थायराइड वालों के लिए वो जो अखरोट होता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है, ओमेगा 3 होता है अखरोट में, और आप जो तीसी फ्लैक्स सीड जिसको बोलते हैं उसमें ओमेगा 3 होती है। तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका वज़न भी ना बढ़े, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे आपको ताकत मतलब बनी रहे शरीर में। तो ऐसी चीज़ें आप खाएं जिससे वज़न ना बढ़े, और डाइट और एक्सरसाइज अगर आप साथ में करते रहेंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम ये करते हैं चलो डाइट से ही अपना वज़न कम कर लेते हैं या फिर एक्सरसाइज से ही कम कर लेते हैं, तो दोनों अगर अभी एक साथ करेंगे ना तो आपका बहुत बढ़िया बैलेंस बना रहेगा। हमें तो ऐसा लगता था पहले जितना वज़न कम करती थी उतना बढ़ जाता था, हमारा वज़न बढ़ जाता है जब मैं मायके जाती हूँ, तब हमारे खाने पर कंट्रोल नहीं होता। अगर मैं 2 रोटी खा रही हूँ तो भैया 2 रोटी में कैसे पेट भरेगा, 2 रोटी और खा लो, और मुझे मानना भी पड़ता है भैया, मतलब कह सुना मानना भी पड़ता है। आप यहाँ पे हो, मुझे 1 रोटी खानी है तो मुझे 1 रोटी खानी, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर मुझे 2 रोटी खानी तो 2 ही रोटी खानी, कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं ना तो हमें थोड़ा सा मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा सा मैंने कंघी कर लिया, स्नान तो मैंने किया ही था क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे साफ़ सफाई करनी है। दीपावली की साफ़ सफाई आप लोगों ने शुरू कर दी है कि नहीं? थोड़ा सा पेंट घर में रखा हुआ था, एक कमरा आगे वाला पुताया था, दूसरा कमरा के लिए मतलब ऐसे रखा हुआ था। मैं किचन में ऐसे हाथ लगाऊँ ना तो क्या कहते हैं ना, किचन में समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ, साफ़ सफाई करूँ, जाले मारूँ। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, पहले मैंने कुकिंग का काम शुरू कर दिया, मतलब कुकिंग का काम करूँगी उसके बाद। और मैंने पद्देव जी से बोला चलो सुबह उठ जाते हैं, सबसे पहले वॉक कर आते हैं, ये काम ज़रूरी है। इतना ज़्यादा थकान, मुझे पता थी थकान होगी मतलब काम करने से, क्योंकि ये हमारी आदत तो होती नहीं, हमें साल भर में एक दिन करना होता है। हम डेली डेली तो इतना भयंकर सफाई कर नहीं सकते कि रोज़ सामान हटा करके सफाई करें, क्लीनिंग करें। हम नीचे फर्श झाड़ू पोछा ये कर देते हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है घर के सारे काम के अलावा। तो इसलिए ना आज इतनी ज़्यादा थकान होने वाली है। सुबह के 4 बजे से मैं उठी हूँ, सबसे पहले फ्रेश वेश होकर आधे घंटे, उसके बाद स्नान किया, और एक्सरसाइज को मैं स्किप नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है साफ सफाई करने के बाद 2 दिन तो मैं बिस्तर ही पकड़ लूँगी और मुझे तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान कर लिया, आदत तो है नहीं, फिर रात को भी स्नान करना पड़ेगा, तो 2 बार स्नान करने से ही जुकाम हो जाएगा, मौसम भी बदल रहा है, साफ़ सफाई करने की अलग थकान रहेगी। तो सारी चीज़ मैंने देखते हुए, पता तो है लेकिन सफाई करना भी ज़रूरी है। और जो मेरा घर है इसमें हम मतलब ऐसे होता है, इतना सारा सामान पड़ा है कि हम मतलब कैसे कहते हैं, आदमी को लगा के साफ़ सफाई करवा लें, ऐसा भी नहीं होता। खुद का सामान है, खुद की सुरक्षा जरूरी है। सारे सामान की हम जितना किफ़ायती से करेंगे उतना दूसरा कोई किफ़ायती से करेगा। किचन में इतनी बड़ी फ्रिज है, अगर मैं पुतैया करने के लिए इधर उधर सामान करती हूँ, भाई मुझे बहुत डर लगता है, अपने सामान की बहुत ज़्यादा मुझे केयर रहती है, फिक्र रहती है कहीं टूट फूट ना जाए। इसलिए अपना काम खुद करो तो धैर्य पूर्वक आराम से शांति से ज़्यादा सही रहता है, मुझे ज़्यादा सही लगता है अपने खुद के काम करने में। खुद के काम हम अपना आराम आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी निकाली है, मैंने कहा चले सबसे पहले कुकिंग का काम निपटा लेते हैं, खाना बना रहेगा, जब जिसको भूख लगेगी वो खाता रहेगा। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी करेला और शिमला मिर्च की सब्जी, दोबारा थोड़ी दिन पहले ही बनी थी हमारे घर में, सब्जी खत्म हो रखी है, यही 2-3 सब्जी बची थी। मैंने कहा शिमला मिर्च बच्चों के लिए, करेला हम दोनों के लिए बना लेते हैं। चाय बनाई है मैंने, यहाँ पे सब्जी कुक ले लिया है कट करने के लिए, आराम से बैठ करके कुछ सब्जियाँ मैं कट करूँगी, कुछ सब्जियाँ पद्देव जी करेंगे, और हम दोनों बैठ करके साथ साथ में चाय पियेंगे। मैंने कहा तो मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ या फिर वॉक पे जाती हूँ बहुत भारी भरकम पानी वानी पी के नहीं जाती हूँ। ऐसे क्या होता है, भारी भरकम हो जाता है तो चलने में दिक्कत होती है, जब हम वॉक करते हैं तो बहुत तेज़ी तेज़ी वॉक करते हैं ना, तो इसलिए मतलब पेट हल्का रहता है तो वॉक मतलब ज़्यादा अच्छे से होती है, मेरा मानना है। बाकी आप लोग कैसे करते हैं ये तो मैं नहीं बता सकती। हल्का होने से वॉक भी बहुत अच्छा होती है, हल्का होने से एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर सब्ज़ियाँ कट चुकी हैं, देखिए प्याज अलग अलग वैरायटी में, करेला टमाटर सब कुछ अलग अलग तरीके से मैंने कट करके रख लिया है, बनाने में आसानी होगी। चलिए फटाफट से सब्ज़ी में छौंक लगाते हैं। सबसे पहले 2 कढ़ाई दोनों साइड में चढ़ा दी, आजकल मैं इस तरीके से खाना बना रही हूँ, बहुत जल्दी झटपट बन जा रही है दोनों सब्जियों को देखते देखते, वरना एक सब्जी को लेके बैठे रहो, एक सब्जी एक बार में ही बनती थी। दोनों तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, दोनों तरफ छौंक लगा देती हूँ, 2 सब्जी हमारी एक साथ में बन जाती है, बस एक कढ़ाई एक्स्ट्रा धुलनी पड़ती है, कोई बात नहीं। जब सारे दिन इतने बर्तन धुलती रहती हूँ तो एक कढ़ाई और सही, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी आज मुझे काम जल्दी ही निपटाना था पद्देव जी के साथ, किचन की साफ सफाई करनी थी। किचन हमारा इतना ज़्यादा मतलब ऐसे हो गया, सरकारी क्वार्टर है भाई, मतलब या तो पहले तो वो भी ज़्यादा था, लेकिन अब क्या ही बताएं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे ना मैं बता ही सकती हूँ ना कुछ कही बात होती है, ना कि हम कुछ कह भी नहीं सकते और चुप रहा भी नहीं जाता, वही वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्जी छौंक दी है, इसमें मैंने सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, टमाटर और नमक स्वाद अनुसार डाल करके
इसको ढक देते हैं और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। जब भी हम शिमला मिर्च की सब्ज़ी या किसी भी कोई भी सब्ज़ी सूखी बनाते हैं उसको धीमी आंच पे पकाना चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, करेले में मैंने नमक डाल रखा था। नमक डालने से ही क्या होता है, अपना पानी अच्छे से रिलीज कर देता है और इसे निचोड़ करके जब हम करेला बनाते हैं तो इतना तीखापन नहीं रहता। वैसे आप ऐसे सादे सिंपल करेले बनाए बिना पानी निचोड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यह तरीका ये रहता है, थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाती है, बाकी तो करेला कड़वा होता ही है, इसमें कितना भी आप इसका पानी निचोड़ो। और कड़वा करेला ही फायदेमंद होता है शुगर वालों के लिए। तो मैं सोच रही थी अब मैं इसका पानी नहीं निकालूंगी, थोड़ा सा कड़वा ही बनाऊंगी ताकि आप खाओ तो ज़्यादा फायदेमंद रहे। यहाँ पे मैंने करेला छोंक दिया है, मेथी दाना डाल करके उसके बाद इसमें प्याज और करेला डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक हल्दी डाल के इसको बस एक दो बार चला करके इसको ढक देना, धीरे धीरे ये पकता रहेगा। और जो भी सब्ज़ी बनाए मैंने कई बार बताया मोटे तले की कढ़ाई में बनाएं, थोड़ी सी मोटी हो कढ़ाई और बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। तो यहाँ पर दोनों सब्ज़ियाँ एक साथ मेरी बन रही हैं और फटाफट से बन के तैयार भी हो जाएंगी। बीच बीच में मैं ये वाली सब्ज़ी चला दे थी, उसी के साथ में शिमला मिर्च की भी सब्जी चला रही थी। यहाँ पे शिमला मिर्च को थोड़ा सा अच्छे से मैश कर देते हैं, प्याज टमाटर शिमला मिर्च एक में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और इसीलिए मैं स्नान करके सुबह सुबह तैयार हो गई थी, क्योंकि अगर मैं किचन में घुसी तो मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा फिर बाहर जाने का, और बाहर जा भी नहीं सकती, फिर से मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि पेंट पुट्टी अभी ये गंदगी लगेगी तो सर धुल के नहाना ही पड़ेगा चाहे जितना देर हो जाए। और आज सही बताऊँ ना, पूरा दिन सुबह 4 बजे से उठ करके शाम के 8 बजे तक हम लोगों को फुर्सत नहीं मिली, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई का काम था, सारा सामान निकाल निकाल के। यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी थी, 2 बार मैंने 3 बार चला दिया था, और करेले में मैंने थोड़ा सा टमाटर कट करके डाल दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अभी 5 से 6 मिनट में ये सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगी धीमी धीमी आँच पर। इधर हमारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी थी तो मैंने कढ़ाई खाली कर लिया था, कढ़ाई में थोड़ा सा रात का बचा हुआ चावल रखा है, मैंने कहा इसको फ्राई कर देते हैं, मैं और गौरी थोड़ा थोड़ा चावल खा लेंगे। क्या है ना कि रात का बचा हुआ चावल हम ऐसे कोई मतलब अन्न के दाने होते फेंकते नहीं भैया, हमें बहुत किफ़ायती से सब कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं शाम का बचा हुआ खाना है तो सुबह नहीं खाते, फेंक देते हैं या फिर गाय कुत्ते को डाल देते हैं, भैया हम नहीं डालते, अपना खाना इतनी मेहनत से बनता भी है, गैस लगती है भाई, सही बात है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम लगता है। तो यहाँ पर मैंने वही कढ़ाई शिमला मिर्च वाली ऐसे चढ़ा दी, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, थोड़ी सी प्याज हरी मिर्ची डाली है, जीरा का तड़का लगा के, प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ऐसे क्रंची बना बना रहेगा, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, प्याज अच्छे से मतलब ये कुक हो जाएगी, नमक डालने से प्याज जल्दी पक जाती है, और बस इसको चला देते हैं। ये थोड़ा सा ही चावल था लेकिन मैंने कहा इसको हम फेंकेंगे नहीं, बिल्कुल हम खा लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चावल बचा हुआ था इसको मैंने डाल दिया है, नमक मैंने पहले ही डाल दिया है। इसमें मैं डालूंगी भरवा मिर्च, भरवा मिर्च बहुत ज़्यादा खट्टी तीखी चटपटी होती है, वैसे हरी मिर्च तो मैंने डाल दी है, भरवा मिर्च का मसाला अच्छे से कर देंगे मिक्स। बहुत तरीके से चावल फ्राई होते हैं, ये हमारा देसी तरीका है, एकदम सिंपल, जब हम गाँव में रहते थे इसी तरीके से चावल फ्राई होता है। चावल फ्राई बन करके तैयार हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा ढक देते हैं और बस ये पक जाएगा, बच्चों को दे देंगे खाने के लिए। किचन में दाल चावल सब कुछ बन चुका था, रोटी भी मैंने बना ली थी, लास्ट में ये चावल बचा था इसको भी मैंने चढ़ा दिया, और बचे कुछ ये बर्तन मैंने कहा चलो इसको भी धुल लेते हैं, वरना साफ़ सफाई करेंगे किचन में तो पूरा बर्तन ऐसे सिंक में रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो बर्तनों को भी धुल करके हटा देते हैं। और देखिए सुबह से कितने ज़्यादा बर्तन, रोटी उठी जो मैंने बनाई थी ना, सारे चकले बेलन रोटी की थाली मैंने कहा सब कुछ आज धुल लेते हैं, किचन से सारे बर्तन हटा देते हैं, पहले सारा सामान तो सामान किचन से हटाने पड़ेगा और फिर से पूरी तरीके से सफाई करनी पड़ेगी। किचन का जितना सारा सामान था सबसे पहले जो धुलने वाला काम था मैंने बाथरूम में ला के धुल करके रख दिया था, जैसे आलू की टोकरी और जो स्लैब के ऊपर मैंने बिछाई थी प्लास्टिक, सारा सामान किचन से बुरिया बिस्तर सारे जार ये सब निकाले हैं, पूरी तरीके से आज डीप क्लीनिंग होगी। सब किचन में कोई भी सामान नहीं है, कोई भी सामान नहीं है, सब कुछ मैंने निकाल लाया बाहर। और अभी हो चुका है पुतैया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा मतलब ऐसे था ना पूरा, इसको मैंने छुड़ा छुड़ा के, हम दोनों ने छुड़ा छुड़ा के पुतैया के लिए देखी किचन का नया लुक, जैसे आगे वाले कमरे में पिंक कलर का था ना, इसमें भी मैंने पिंक कलर कर दिया है दोनों में, मतलब देखने में एकदम बिल्कुल नया लग रहा है, जैसे अभी अभी लग रहा है ना कि अभी अभी बना है पूरा नया, इस तरीके से पूरा अच्छे से मैंने चारों दीवारें पर मतलब अच्छे से पेंट पद्दे हो जी की तो पूरी हालत ख़राब हो गई पेंट करते करते, भाई मेरी भी साथ साथ में उठक बैठक खूब कराए और पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। फ्रिज को मैंने बाहर नहीं निकाला, सेम उसी जगह पे फ्रिज को थोड़ा सा खिसका करके ये बर्तन रखने वाला जाली सब कुछ अच्छे से क्लीन किया। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है आपको पता है, मैंने ये जो किया है पेंट किया है यहाँ पे जो ये वाश बेसिन हुए ना, यहाँ पे नीचे ऐसे अजीब सा रहता था, काला काला सा रहता था, मैंने पूरा नीचे से दीवार पर दीवार मिला दी, नीचे पेंट करने का काम मेरा था, ऊपर का पद्देव जी का, नीचे जितना मैंने पेंट किया सारा का सारा मैंने पेंट किया है। पेंट करते करते पूरा दिन बीत गया हम दोनों का इसी में,
शाम को मैंने सबसे पहले कपड़े बदले, मैं क्योंकि बाहर दूध लेने जाना था, और तो फिर मैंने कहा चलो भाई कपड़े बदल के दूध ले आते हैं। कपड़े बदले, दूध लेने आई, दूध को छान करके गैस पे चढ़ा देते हैं, खाना बनाना नहीं है क्योंकि दोपहर का थोड़ा सा चावल खाने के बाद मैंने बिल्कुल खाया नहीं। पद्दू जी ने दो रोटी करेले की सब्जी खाई थी, खाना बिल्कुल रखा हुआ, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर थोड़ा बहुत कम भी पड़ेगा तो हम लोग दूध पी लेंगे लास्ट में। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है खाना वाना बनाने की। दोपहर से ये चावल का कुकर यहीं पर पड़ा हुआ है, मतलब खाली करके धुला भी नहीं, ऐसे बर्तन पड़े हैं, दूध गर्म हो चुका है, बस इसको ढक देते हैं। आज कोई कुकिंग नहीं कर पाएंगे, हालत ख़राब हो चुकी है। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं अभी नहा के आई हूँ, अभी रात के 8 बजे। आज पूरा दिन हम और पांडे जी सफाई करते रह गए, इतना ज़्यादा मतलब सफाई, इतना ज़्यादा सफाई कि हम कह नहीं सकते। हम और वो दोनों मिलके सफाई किए। अभी आगे का कमरा बचा है, बरामदा बचा है, बाथरूम बचा है, बस बाहर बचा है। तो ये कमरा जो था, मतलब ये किचन है, मतलब कमरा है, ये बहुत ज़्यादा इसमें सीलन रहती है। सीलन इसलिए रहती है कि अब पता नहीं कब का बना बना है, ये सरकारी है। बहुत ज़्यादा सीलन होने की वजह से इसकी दीवार में जितने पुट्टी थे, जितने पलस्तर से, सारे के सारे निकल गए। तो हम लोगों ने जो हम लोगों से छुटाया, छुटा करके इस पे मैंने पुतैया कर दी है, मतलब मैंने और मेरे पद्देव जी ने। ऊपर ऊपर पद्देव जी पोते, नीचे नीचे मैं पोती हूँ। इतने सारे कपड़े निकले, इतने सारे कपड़े निकले धुलने के लिए, मैं क्या बताऊँ। बच्चे थोड़ा सा बाहर गए हैं, पद्देव जी थोड़ा सा बाहर टहलने गए हैं। खाना हम सब ने किसी ने खाया नहीं। सुबह 2 किस्म की सब्जी, चावल, रोटी, दाल बनाई थी, किसी ने पूरा दिन नहीं खाया। काम करने के चक्कर में ना भूख ही नहीं लगी, मतलब भूख तो लगी थी, ये हो रहा था थोड़ा सा और कर ली तब खाएं, थोड़ा सा ऐसा करते करते और दोपहर के 2:30 बज गए। फिर मैंने सोचा अभी इस टाइम खाएंगे तो फिर खाना ना खाना बराबर ही रहेगा। अब इस टाइम भी 8 बज रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि खाना होगा कि नहीं होगा। खाऊंगी तो थोड़ा सा दाल चावल खाऊंगी, सबसे पहले मैं 1 गिलास दूध लूंगी, थकान दूर करूंगी, खाना खाऊं चाहे ना खाऊं। इतनी ज्यादा थकान, इतनी ज्यादा थकान ना कि क्या ही बताएं। आज मेरा ट्राईपोर्ट बच्चों ने तोड़ दिया है, इस की भी झंझट। बच्चे ना, बच्चे इतने शरारती हो चुके हैं। सबसे पहले मैं मच्छर की दवाई लगा देती हूँ, बिस्तरा झाड़ के बिछा देती हूँ ताकि सब लोग आए, खाना खाएं, तुरंत सो जाएं। और बाकी की साफ सफाई हो ही चुकी है। साफ सफाई होने के बाद पूरा डिब्बा उब्बा भी धुलने का काम है। एक बार तो पोछ करके मैंने लगा दिया है, जैसे जैसे सामान खत्म होंगे वैसे एक एक डब्बे, दो दो डब्बे जो है धुले जाएंगे, इकट्ठा नहीं लेके बैठेंगे। इकट्ठा हो जाता है ना तो बड़ी समस्या हो जाती है। आप लोगों से बात करने के बाद बस सबको खाना वाना खिलाया, सबने खाना खाया और सबके लिए 4 गिलास मैंने यहाँ पे दूध लगा दिया। जितना दूध आज लाए थे 1.5 लीटर मैंने सबको दे दिया। मैंने कहा पी लो, दूध पहले से भी रखा हुआ है, क्या होगा बासी दूध रख के। दही भी पर्याप्त रखी है, सबको जुकाम कम हो रहा है, कोई दही खा नहीं रहे। आज हमने बिल्कुल खाना खाया नहीं, शाम को दाल चावल, थोड़ा सा सब्जी खाया। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सुप्रभात।